हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रही है सुबह की 9:30 और मैं कंप्लीट रेडी भी हो जाना है ना मैं नाना के घर, वहाँ के लिए सिर्फ मेरा फेस का स्किन रूटीन करना बाकी है, वो मैं अभी कर दूँगी। अभी सुबह सुबह आई है हिया और उसको मिल्क पीना था तो उसको अभी उसको मिल्क दिया है, अब पराठा खा रही है। और कल रात को वो आई थी, मैंने जब व्लॉग एंड कर दिया था तब आई कि चाची आपको शरीर दुखला है, फिर आई, फिर इसने बहुत सारी विक्स लगाई, थोड़ा सा सिर दबाया, फिर मेरा सिर सच में उतर गया। बहुत प्यारे प्यारे हाथों से विक्स लगा के दी, मजा आ गया। अभी क्या कर रही है बताऊँ, क्या कर रही हो आप? ब्रेकफास्ट कर रही हो? आपने कल रात को विक्स कैसे लगाई थी? अच्छी लगी। अच्छी लगी, कैसे लगाई थी? रेडी होना था पर हुई नहीं। हिया को जैसे ही ब्रेकफास्ट करवाया, आपने सुना होगा मम्मी कह रहे थे भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो वहाँ पर उनको हॉस्पिटल लेके गए थे हम लोग। कॉफ़ी वगैरह सब पीनी मेरे बाकी थी, अभी 11:30 हो रही है तब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे चक्कर आ रहा है इसलिए। और आज जाना है नाना के घर पे, नानी का श्राद्ध है आज। मेरी नानी को एक्सपायर हुए आज 3 साल, यानी आज के दिन नहीं 3 साल हो चुके हैं, तो अभी श्राद्ध की लास्ट तिथि पे उनकी डेथ हुई थी अमावस्या के दिन, तो आज उनका श्राद्ध है तो आज वहाँ पर भी जाना है। मैं मेरी नानी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी इसलिए जब भी उनको याद भी करती हूँ तो भी मन भर जाता है। चलते हैं वहीं पर, निकल गए हैं ये और कार ठेठ वहाँ खड़ी है। शूट कर रहे हैं एक दूसरे को। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? लगभग 5 से 7 मिनट का रास्ता और है और हमने काफी जल्दी रास्ता कवर कर लिया है। चिकू ने गाड़ी चलाई बन्ना बोट तो अभी पहुंचने वाले नाना के घर पे, वहां पर जाके फिर आपको हम मिलते हैं और हमारी बचपन की यादें आपके साथ शेयर करते हैं। अभी हम पहुंच गए पाटली, बस नाना का घर आने वाला है, आपको दिखाती हूँ पाटली गाँव। पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अभी थोड़ा बहुत विकास हुआ। विकास की याद आ रही है, विक्कू आई मिस यू। वो रहा नाना का घर, यश भी बाहर खड़ा है। हम आ चुके हैं नाना के घर पे और ये वो जगह है जहाँ पर नानी के साथ हम आटा पिसवाने, गेहूँ पिसवाने के लिए आते थे जो कि बिल्कुल उजड़ चुका है। और ये वो गलियाँ जहाँ पर आज भी नाली नहीं है, बीच में से ही होके पानी जा रहा है। गली से गुजरते हुए कुत्ते, गेम बुलाने गया वो। और ये ढलान है वो जहाँ पर हम का नाना के पीछे बैठ के आते थे और गाड़ियाँ ऊपर चढ़ती नहीं थी और बहुत मज़ा आता था और डर भी लगता था। देख सकते हो आप किस तरीके का ढलान है ये हेडपम्प। इस हेडपम्प पे पानी भरने के लिए आते थे नाना जी, पूजा करते थे उसका पानी भरने के लिए हम यहाँ आते थे। यहाँ पर एक दुकान थी जहाँ पर हम पेप्सी लेते थे। कौन सी ये? यहाँ पे यहाँ पर अंदर एक बादाम का पेड़ था जिससे हम चोरी चुपके बादाम खाने जाते थे। और ये रहा मेरे नाना का पुराना घर। ये? हाँ। पूरा तोड़ दिया। बुआ करती है बस बढ़िया, टूट गया है जो कि बिल्कुल खंडर वीरान हो चुका है। घर तो टूट गया पर आज भी यादें तो वही जिंदा है। यहाँ पर बचपन बहुत खेला गया है यहाँ पर। यहाँ पर अभी तो सिर्फ आसमान बचा है पर यहाँ पर केलू थे, यहाँ झूला लगता था और यश और मैं दोनों जने यहाँ से लगाकर वहाँ तक लंबा सा झूला मारते थे। यहाँ पर बाहर मोटर थी जहाँ पर पूरा अभी खरपतवार उग चुका है। यहाँ पर बाहर नहाते थे दो तीन साल पहले आए थे। हाँ। तब सही था, तब सही था।
अभी भी टूटा है, पूरा बिखर चुका है। पीछे उस गली में बिल्लियां घूमती थी, वो घर वाले इधर साइड देखते थे। घर भले कच्चा था पर बहुत ज्यादा प्यार था। अब घर पक्के हो गए पर प्यार कच्चा हो गया है। ये छोटा सा रूम था जहाँ पर हम दोपहर में सोते थे। यहाँ पर नाना का ऑफिस होता था, कोने में टी टेबल रहता था यहाँ पर, और नाना का ऑफिस रहता था। नाना का डेस्क वगैरह यहीं पर था। यहाँ पर छोटा सा फ्रिज था जो कि मिट्टी का था, उसके अंदर कुछ भी रखते थे ठंडा रहता था और फ्रेश रहता था। मिट्टी का फ्रिज था पूरा, इस तरीके से बना हुआ था ना कि उसके अंदर कुछ भी रखते ना तो ठंडा ही रहता था, दूध भी रहता तो भी कुछ नहीं होता था। यहाँ पर आके सारी यादें वापस से ताजा हो गई। सब लोग वहीं के वहीं हैं, सिर्फ मेरी नानी की कमी है और आज वो कमी बहुत ज़्यादा खल रही है क्योंकि वो यहीं पर रहती थी। यहाँ पर कहीं पर सिलपट्टा था एक जो निकाल दिया गया है, उस सिलपट्टे पे मसाला बनाती थी और हमको रोटी के साथ देती थी, और यहाँ पर ही सिलपट्टे के ऊपर ही छोटी छोटी आम काटती थी और उस आम के अंदर शक्कर मिक्स करके फिर हमको खिलाती थी। आम का पेड़ उधर था, आम का पेड़ भी निकाल दिया है। नाना ने बहुत अच्छा यहाँ पर गार्डन बना रखा था जिसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स उगते थे। जहाँ पर आने के लिए मैं और यश इतने रोते थे, इतनी जिद करते थे, नाना के घर जाना है, और रहने आते थे सिर्फ जब नानी होती थी तब। नानी के जाने के बाद तो सब बिखर गया है बिल्कुल। और मम्मी भी हमारे साथ तब रहने आती थी। मम्मी यहाँ पर आके सूट पहनती थी तो बहुत नया नया लगता था क्योंकि घर पे साड़ी पहनती थी। सच में सारी अब यूँ हो गया, बहुत बड़े हो गए, सब बचपन तो कहाँ चला गया। ये आंगन था, यहाँ पर एक साइकिल थी जो यश इतनी जिद करके चलाता था, बहुत जिद करके चलाता था। हम यहाँ पर इतना ज़्यादा खेलते थे, इतनी चोर पुलिस खेलते थे और इतने ज़्यादा गिरते थे। यश तो यानी जब भी आता था तब गिर के ही जाता था, एक दो टाके लेके जाता था, यानी इतना ज़बरदस्त गिरता था। और मेरी दादी को बहुत गुस्सा आता था, इसलिए मेरी दादी भेजती भी नहीं थी कि बच्चे जाते हैं गिर के आते हैं। और हमारा और भी ग्रुप था, मेरी मम्मी के बुआ के बच्चे आते थे साथ में रहते थे और नाना कंधे पर बिठा के आम के पेड़ के नीचे ले जाते थे। यश तो कभी चलता ही नहीं था, यश हमेशा नाना के कंधे पे ही बैठता था और मुझे भी बैठाते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं बहुत बीमार हो गई थी और बहुत ज़्यादा मुझे बुखार आ रहा था। नाना फिर हॉस्पिटल लेके गए थे कंधे पे ही बैठा के। तब यहाँ पर कुछ व्हीकल भी नहीं था और बहुत सकड़ी सी गलियाँ थी। पापा फिर लेने आते थे कभी, मम्मी और दोनों। डूंगरपुर में हम पाव भाजी खाते थे, चाचा वाला, क्या मजे आते थे। आम खा खा के यश के मुंह पे इतने ज़्यादा फोड़े निकलते थे जिसके कोई हद नहीं। और ये रोड था वहाँ जाने का, माता जी का मंदिर था यहाँ पर। खेतों में जाते थे, यहाँ से खेतों में जाते थे। और ये ढलान, ये भी पहले जिधर क्या यहाँ पानी जाता है, पापा की गाड़ी तक सर उतर जाती थी। नाना की गाड़ी आती ना तो हम पीछे पीछे इतने दौड़ते, नाना आ गए करके, क्योंकि नाना उस पर डूंगरपुर जाते थे तो डूंगरपुर से पिज्जा आइसक्रीम सब लेके आते थे। अब घर की ओर प्रस्थान करते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पर। गर्मी यानी टेम्परेचर भी भयंकर हाई है और धूप आप देख सकते हो, मेरा मुँह भी पूरा लाल हो चुका है। और ये बकरियाँ और ये छोटी छोटी गलियाँ, क्योंकि कल्याणपुर में हमको कहीं पे भी जाने दिया जाता नहीं था। नाना के घर आते थे तो खुले सांड हो जाते थे। गलियों में घूमना, पेड़ आम के पेड़ के पास जाना, क्योंकि दादी तो हमारी कहीं जाने ही नहीं देती थी, घर में ही खेलो, घर में ही रूम। वो रहा नाना का अभी रूम, नहीं नाना का रूम वो रहा ऊपर, वहाँ पर नाना और नानी दोनों रहते थे। अभी सब जने नीचे खाना खा रहे थे, जाना पड़ता था। निकल गए और खेरवाड़ा तक पहुँच भी गए। तो मैं व्लॉग वहाँ से चालू करना भूल गई एक्चुअली, कि हमारे साथ मेरे मासी और ये लोग भी आए हुए थे तो अभी इनको खेरवाड़ा छोड़ा है और हम लोग खेरवाड़ा से ऋषभदेव की ओर निकल गए हैं। अच्छा लगा, गए दुख भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा मिक्स फीलिंग थी। फैमिली भी मिली सारी, मम्मी भी मिले यहाँ पर, यश और हम दोनों ने साथ में व्लॉग किया। जैसे ही आप मेरा व्लॉग देखोगे तो उसका भी देखोगे, वो भी मेरे साथ आया था। नाना का पुराना घर यानी घर ही नहीं रहा, खंडर बन चुका है, पर वहाँ जाकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और चिकू ने भी देखी हमारी पुरानी यादें, मज़े लिए, हम दोनों के मज़े लिए और हम दोनों की बहुत ज़्यादा उड़ाई भी सही। अब सीधे ऋषभदेव चलते हैं क्योंकि अपन पाटली तो जाके आ गए और सिर्फ महज 3 घंटे ही वहाँ पर रुके और रिटर्न भी हो गए। 1 बजे पहुँचे और 4 बजे तो वहाँ से रवाना हो गए।
ऋषभ देव आ गए, पर ऋषभ देव आके सोचा कि घर नहीं जाते हैं, सीधे शॉप पर जाते हैं, क्योंकि शॉप पर मैं सुबह से गई नहीं हूँ, क्या हाल है, कस्टमर्स भी आए थे, पर जो काम है अपना वो निपट लेते हैं। और गाड़ियाँ सारी दुकान के आगे ही खड़ी रख के जाते हैं जितने भी जने होते हैं वो। ये चीज बंद करवानी पड़ेगी, नो पार्किंग का बोर्ड लगा दो चुकी यहाँ। शॉप पे आई थी पर अभी जा रही हूँ वापस से घर पर, थोड़ी देर बैठी और कुछ काम था वो भी कर दिया। मैं जब भी आती हूँ तब काम निपट जाता है इसलिए। और चिकू का ये कॉम्ब आ गया था ऑनलाइन जो हमने ऑर्डर किया था 3-4 दिन पहले, क्योंकि चिकू को यही कॉम्ब सूट होता है और इस कॉम्ब की वजह से नहीं था, इस वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही थी उनको, बालों में बहुत ज़्यादा गुच्छे हो रहे थे तो रोज़ बाल बनाते थे और चिड़चिड़ करते थे। तो अभी चलते हैं घर पर क्योंकि कल है नवरात्रि और स्थापना करनी है घर पर, तो सारी जो भी तैयारियाँ हैं वो करते हैं। छोटी मोटी तैयारियाँ हैं अभी, जो तैयारी है वो कल ही होगी मेन। तो चलिए घर पर। घर पर आ गई हूँ और अभी कपड़े वगैरह धुल रहे हैं। मैं क्या सुबह चली गई थी और सुबह भाभी की भी तबीयत ख़राब थी इसलिए हम सब जने वहाँ थे, और कल मेरा पार्टली जाना भी कैंसिल था पर जाना भी ज़रूरी था तो फिर हम चले गए, और काम काफ़ी पेंडिंग रह गया तो अब जो काम रह गया घर का वो पूरा करते हैं। अभी समेटते हैं कपड़े क्योंकि काफ़ी दिन के इकट्ठे हो गए इसलिए, तो कपड़े समेट देते हैं, खाना बनाने में अभी टाइम है इसलिए। कपड़े सारे समेट दिए गए हैं, अभी को रख देते हैं ठिकाने के ऊपर जो जिसकी जगह जहाँ पर है वहाँ पर, और अब बनाएंगे खाना। अब साथ में ही धो रही हूँ कपड़े, तो कपड़ों का भी सीन देख लीजिए। धुल चुके हैं, अब इनको निकाल देते हैं। बाहर पड़ा हुआ एक पर्दा तो वो भी धोना है, वो लेके आते हैं। अभी बाहर चले आई पर्दा और ये धोने के लिए डाल दिया है, धुल रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। और ये वाला पर्दा लगाना है शॉप पर क्योंकि शॉप पे एक तरफ है जाली वाला गेट तो जाली से बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है तो पर्दे से थोड़ी रुक जाएगी इसलिए। खाना भी बनाना है, अब खाने में क्या बनाऊँगी यार, चलो देखती हूँ क्या क्या है। साथ में गेहूँ भी पिसा रहे हैं, गेहूँ तो पिसते रहेंगे हमारे, क्या पता ये यहाँ वाली लाइट क्यों ख़राब हो गई है ऊपर की, लग ही नहीं रही है तो छोटू बल्ब लगाना पड़ता है जिससे इतना उजाला नहीं आता। मम्मी ध्यान करने के लिए गए तो जैसे ही ध्यान करके निकलते हैं फिर बनाएंगे खाना, थोड़ा सा लेट बना देंगे। भयंकर गर्मी है, पाडली गए, पाडली में भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे भी आज बहुत है, क्या पता कब आएगी ठंड, क्योंकि मुझे ठंड बहुत पसंद है। आज आपको आई होप व्लॉग देख के मज़ा आया होगा क्योंकि आज मैंने आपके साथ शेयर की है मेरी बचपन की यादें। अगर ये यादें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या करें, और क्या यार, बेल आइकन को प्रेस कर दे और हाँ, क्या आपको इस वीडियो मिल जाएगा वीडियो हाँ तो। और बेल आइकन को कर दो प्रेस क्योंकि वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा कि हमारी वीडियो आ चुकी है, और नव और हिया भी हमारी वीडियो में दिखते रहेंगे। हिया बोलती बहुत अच्छा है ना तो चलिए बाय, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। हाँ।